मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर चल रहे सस्पेंस अंत आज सोमवार को खत्म हो गया है। उज्जैन दक्षिण से विधायक और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव को सीएम बनाया गया है। वहीं मंदसौर के मल्लारगढ़ विधानसभा से जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। हम आपको बताते चलें कि ये मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर मंदसौर के मल्लारगढ़ विधानसभा से जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। जगदीश देवड़ा शिवराज सिंह सरकार में वित्त मंत्री रहे थे, क्षेत्र में अपने सरल स्वभाव के कारण जाने जाते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में जगदीश देवड़ा 59,024 मतों से विजयी हुए थे। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम बने जगदीश देवड़ा अब तक प्रदेश में कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ये बड़ी खबर खबर एक्सपर्ट पर मंदसौर से देख रहे हो, जहाँ हमारे संवाददाता ने लाइव तस्वीरें स्वागत सम्मान की भेजी हैं। जिस तरीके से तैयारियां उनके घर पर चल रही हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हो। हम आपको बताते चले कि जगदीश देवड़ा ने पहला चुनाव 1990 में सुवासरा विधानसभा से लड़ा था। अब तक भाजपा की टिकट से 8 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 7 बार के विधायक बने हैं। इनमें से 1 बार 1998 में हार का सामना करना पड़ा है। वे उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह सरकार में बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से देख रहे हो, जहां जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर क्षेत्रीय लोगों ने जमकर स्वागत सम्मान करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है।